जिन्होंने 2003 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया और आज वो आपसे कह रहे तिरंगा नहीं फहराओगे तो तुम देशद्रोही हो। मगर मुझे शर्म आती है कि यहाँ वो लोग इस देश के नागरिक बैठे हुए हैं जिनका आरोप है कि उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती इस मुल्क की सेना और पुलिस कर रही है। जी हाँ, मुझे गर्व होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। इसके लिए किसी सरकार से न तो सर्टिफिकेट की जरूरत है और न किसी सरकार या पार्टी के नेताओं से। कोई ईंट फेंके और आप चुप रहे, ऐसा तो नहीं है साहब। कोई ईंट फेंके और आप चुप रहे, ऐसा तो नहीं है साहब। कोई आपके जमीर को चुनौती दे और आप कुछ न कहें, ऐसा तो नहीं है साहब। कोई दखलंदाजी करे और आप उसकी आरती उतारें, ऐसा तो नहीं है साहब। धुआं उठे और आग न रहे, ऐसा तो नहीं है ना साहब। कुछ तो है जरूर साहब, कुछ तो है जरूर साहब जो वातानुकूलित कमरे में रहते हुए आप महसूसते नहीं। कुछ तो है जरूर साहब जो रोबड़ा सोरेन पिछले कई सालों से नाम बदल कर फिरता है। कुछ तो है जरूर साहब जो आदिम जनों की आदिम वृत्ति को जगाता है। कुछ तो है जरूर साहब आप ही के गिरेबान में, आप ही के गिरेबान में, वरना कोई गढ़ यूं ही लाल नहीं होता। और आप हैं कि बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं कि बदमनी के जिम्मेवार रोबड़ा सोरेन को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। आज मुझे ये कविता किसी एक व्यक्ति के ऊपर लिखे जाने की बजाय देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, देश की राजधानी के एक बड़े विश्वविद्यालय के परिसर में, ऐसे देश के भूगोल के उपेक्षित कर दिए गए हिस्से, वहां से चल करके जो लोग हमारे बीच में बैठे हैं, मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता और उस पर गर्व करता कि इन लोगों को भी ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिला होता या उस बच्चे को पढ़ने का मौका मिला होता जो कंद्रम सुरेश है, जिसे आज यहाँ पर केवल यह पहचान बताने के लिए आना पड़ रहा है कि जिन्होंने मेरी उंगलियां काटी हैं वो गुनहगार नहीं है। और इस सभा में आकर के मुझे लगता है कि एक विश्वविद्यालय होने का मतलब सार्थक हो रहा है जब वहां यह सवाल उठाया जा रहा है कि यह देश किसका है, कौन है इसके नागरिक। और वो लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो शायद एक झंडा, एक निशान, एक विचारधारा, एक रंग में पूरे भारत को रंगना चाहते हैं, उनके सामने चुनौती है और वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये भारत हमारा कितना है। मुझे भी गर्व होता है बतौर नागरिक कि आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के दौरान इस बात को अब सरकारें आपके सामने कह रही हैं कि आप गर्व करिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आप गर्व से तिरंगा फहराइए। जी हाँ, मुझे गर्व होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। इसके लिए किसी सरकार से न तो सर्टिफिकेट की जरूरत है और न किसी सरकार या पार्टी के नेताओं से उस दिशा निर्देश की जरूरत है कि मैं कैसे गर्व करूं। लेकिन इस सभा में, इस आम सभा में खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शर्म आती है कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूं जहां जुल्म और ज्यादती उस देश को चलाने वाले सत्ता में बैठे निजाम करते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। मुझे शर्म है इस बात की कि एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस राष्ट्र में जो लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं उनसे रक्षा करने के लिए पुलिस और सेना होगी।
मगर मुझे शर्म आती है कि यहाँ वो लोग इस देश के नागरिक बैठे हुए हैं जिनका आरोप है कि उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती इस मुल्क की सेना और पुलिस कर रही है। मुझे शर्म आती है इस बात पर कि वो जो सब कुछ दिन के उजाले में होता है उसके बाद भी इस मुल्क के हुक्मरान छोड़िए आंख पर पट्टी बांध करके एक प्रतीक है ना कि तराजू हाथ में है न्यायपालिका के, जो न्याय करेगी उस न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को भी ये नहीं लगता कि ये जुल्म और ज्यादती किसके ऊपर हुई और किसने किया है। फिर मुझे याद आता है कि ये कोई नया तो नहीं है, आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने के 75 वर्षों के बीच भी इसे मुल्क में लक्ष्मणपुर बाथे भी हुआ जिसके सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया, वहां दलितों की बस्तियां जला दी गई लेकिन गुनहगार कोई नहीं। ऐसे मुल्क में शंकर बिगहा हुआ, बेलछी हुआ, नेल्ली का नरसंहार हुआ, कौन जेल में है? वैसे ही बस्तर हो रहा है, वैसे ही गुमपाड़ के लोग आए हुए हैं और वे भी वही सवाल पूछ रहे हैं कि वो जो 17 लोग मारे गए वो किसकी गोलियों से मारे गए, किसने उन्हें मारा है? और तो और जिन्होंने उस बात के लिए न्याय की उम्मीद की वही सबसे बड़े गुनहगार बना दिए गए। यानी अब आप न्याय मांगेंगे तो सबसे बड़े गुनहगार आप। इसलिए मुझे शर्म आती है कि मैं भी इसी देश का नागरिक हूं और चूंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहता हूं इसलिए मैं ये अफसोस के साथ शर्म के साथ कह रहा हूं कि जी हां इसी भारत के उस इलाके में यह सब हो रहा है जहां आप कभी भारत के नक्शे को अगर बनाएं। हम लोग भी अभी सरोजगिरी बोल रहे थे कि जो सबसे बड़ा इम्तिहान आज भी इस देश में माना जाता है, हम लोग जिस इलाके से आते हैं वहां तो पैदा होते ही लड़कों को कहा जाता है जाओ आईएएस आईपीएस बनो, सबसे बड़ी नौकरी है। और हमने भी कोशिश की, बहुत अफसोस होता था कि हम पास नहीं कर पाए, मगर आज ऐसा लगता है कि अफसोस नहीं है फक्र है, वरना उन्हीं की सूची में हमारा भी नाम शामिल होता जो खुद आईपीएस रह करके भी बलात्कार करते हैं और उसके बाद भी इस मुल्क के निजाम उन्हें तमगा पहनाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस मुल्क की और इसलिए ये सवाल यहां से पूछा जाना चाहिए कि उसी यूपीएससी की तैयारी करते वक्त हम लोग पढ़ते थे कि आप भारत का नक्शा जब बनाएंगे तो उस भारत के नक्शे में खनिज संपदा का जो इलाका आएगा, जितनी दूर वो खनिज संपदा भारत के नक्शे में अपनी जगह घेरती है वो सारा इलाका वही इलाका है जहां आदिवासी अपनी जगह रखते हैं। यानी जब तक आदिवासी हैं वहां तब तक वो खनिज संपदा लूटी नहीं जा सकती, केवल और केवल युद्ध इतना ही है। ये युद्ध एक ऐसे आजाद भारत में उन सभी नागरिकों को उनका हक दिलाने का नहीं है कि हम विकास करने के लिए आपके इलाके में सड़क बनाएंगे और आपका हम विकास करना चाहते हैं। ये कैसा विकास है साहब? आप जिसका विकास करना चाहते हैं वही लोग कहते हैं कि ये हमारा विनाश है। आप किसानों का विकास करना चाह रहे थे, किसान सड़क पर बैठ गए, 713 से ज्यादा किसानों की शहादत होनी पड़ी। उन्होंने कहा जो विकास आप हमारा करना चाहते हैं वो विकास नहीं चाहिए, किसानों को चाहिए ही नहीं, आप उनका जबरदस्ती विकास कर रहे। जैसे हम इसे विश्वविद्यालय परिसर में हैं और यहाँ एक नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के दरमियान अब एक नई शिक्षा नीति लागू होगी जो छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। और छात्र, शिक्षक जागरूक वो कह रहे हैं कि भाई ये हमें नई शिक्षा नीति नहीं चाहिए, ये हमारा विकास नहीं विनाश करने वाली शिक्षा नीति है। कैसा विकास आप करते हैं? और वैसा ही विकास आप कर रहे हैं आदिवासियों के ऊपर कि हम तो सड़क बनाना चाहते हैं। साहब एक बार पूछो तो सही कि आदिवासी मांग क्या रहे हैं। और ये देखिए, जैसे शिक्षकों में भी बहुत सारे शिक्षक प्रोफेसर यहां ऐसे हैं ना
जो यहाँ अखंड भारत कैसे बनाया जाए इसका सेमिनार करेंगे, उसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में छूट है। और इसी जगह पर अगर इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा तो पुलिस प्रशासन विश्वविद्यालय वो आपसे कहेगा कि ये विश्वविद्यालय में नहीं हो सकता। अभी उस दिन का इंतजार करिए कि कुछ दिन बाद इसे विश्वविद्यालय में अगली धर्म संसद लगाई जाएगी और कहा जाएगा कि 2025 में कैसे इसे अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस विश्वविद्यालय में उसका भी स्वागत किया जाएगा। इसलिए यहां पर खड़े होकर के मैं ये सवाल पूछता हूं कि जो खनिज संपदा जितनी जगह उस भारत के नक्शे में घेरती है उतनी जगह तो आदिवासी भी घेरते हैं, और आपका विकास केवल इतना है कि उस जल जंगल जमीन को उनसे छीन लो, उसके लिए भले आदिवासियों को गोली मारनी पड़े, बलात्कार करना पड़े, उनकी बस्तियों को जला देना पड़े, वो सब जायज है। कैसे इस बात पर गर्व कर ले कोई भारत का नागरिक? केवल तिरंगा लंबा बड़ा बड़ा तिरंगा फहरा करके केवल दिखावा किया जा रहा है, और वो लोग दिखावा कर रहे हैं जिन्होंने 2003 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, और आज वो आपसे कह रहे हैं तिरंगा नहीं फहराओगे तो तुम देशद्रोही हो। उस संगठन का प्रमुख आज भी प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता, वो अपनी डीपी नहीं चेंज कर रहा। अरे हम तो कह रहे हैं अगर डीपी चेंज करनी है तो लगाओ सोनी सूरी का डीपी और कहो कि भारत माता इस देश की अगर कोई है तो वो महिला है। और इसलिए सोनी सूरी की उस बात से मैं अपनी बात जोड़ता हूं जो किस्सा उन्होंने उस आदिवासी महिला का सुनाया। आप इस बात पर चिंतित नहीं होंगे तो फिर किस बात के आप भारत के नागरिक हैं? वो सवाल पूछिए कि उसने माओवादी एक तरफ, पुलिस प्रशासन एक तरफ, और उनके बीच में वो तिरंगा लहरा रही थी कि हम काला झंडा नहीं फहराएंगे, हम तिरंगा फहराएंगे। वो एक भरोसे का नाम था ना, वो तिरंगे के प्रति भरोसा था, वो भारत के संविधान पर भरोसा था। मुझे अफसोस है उसी महिला ने जब सोनी सूरी ने ये बात बताई कि कुछ दिनों बाद उन्होंने वो तिरंगा उसे लौटाते हुए कहा कि ये तिरंगा तुम रख लो, ये तिरंगा हमारी लाज की रक्षा, हमारे हक हुकूक से हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, फिर ये तिरंगा हमारे किस काम का? मैं आखिरी बात कहता हूं, हम सब एक पहचान लेकर पैदा हुए हैं। जैसे मेरी पहचान एक पुरुष होना है, मेरी पहचान एक ओबीसी समाज से आने वाले का है, मेरी पहचान गांव में रहने वाले एक ऐसे लड़के की है कि जो गाय भैंस चराता था लेकिन उसको इतना मौका मिल गया कि वो 2-3 विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद एक विश्वविद्यालय में भले ही ठेके पर सही लेकिन प्रोफेसर तो बन गया। ये मेरी पहचान है। मगर जब मैं अपनी पहचान बदल कर सोचना चाहता हूं और मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर मैं आदिवासी इलाके से होता या मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे भाई के साथ, ये जो के सुरेश ये लड़का बैठा है, कभी मनोविज्ञान पढ़िएगा साहब, उस बच्चे को केवल आज ये घूम घूम कर दिल्ली में हिमांशु कुमार जी पोस्ट लिखते हुए अफसोस कर रहे थे और आज भी यहां बोलते हुए सोनी सूरी भी अफसोस कर रही थी। कभी सोचिए इस बच्चे के मनोविज्ञान पर क्या गुजर रही होगी जिसे दिखाना पड़ता है कि मेरे हाथ की 3 उंगलियां मेरे बचपन में काट दी गई और जिसने काटा वो बेगुनाह घूम रहा है और जो हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ा उस पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। उस मनोविज्ञान को कभी आप समझ पाएंगे? आप कितना भी बड़ा तिरंगा फहरा लो, आप जबरदस्ती किसी के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि राष्ट्र किसी के जबरदस्ती बनाने से बनता ही नहीं है। राष्ट्र साझा सुख और साझा दुख से बनता है। और आज इस मुल्क में उस कोने से आए हुए आदिवासी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, भाई अगर हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, अगर मेरी पहचान आदिवासी नहीं है तो क्या मुझे ये जुल्म और ज्यादती पता ही नहीं होगा? और अब मैं जबरदस्ती इनसे कहूंगा कि नाच करो इस हिंद पर कि तुम्हारा मुल्क है। ये लोग आज ये नहीं पूछेंगे कि जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है वो गुनहगार है तो इस मुल्क पर कैसे मैं नाच करूं? वो साझा सुख और साझा दुख कहां गया? साझा सुख भले ही कम हो, राष्ट्र बन जाएगा अगर साझा दुखों का रिश्ता हमारा बन जाए। हम इनके दुख में अगर दुखी महसूस नहीं कर रहे तो माफ करिए साहब, हम इस मुल्क के बाशिंदे होने में कोई गर्व नहीं कर सकते। हम बस उस पहचान से आते हैं कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में, हम यहां पर पहुंच गए
और अभी नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, अब इस मुल्क के किसान कमेरा जातियों के लोग, उनके बच्चे अब कभी इन विश्वविद्यालय में नहीं पहुंच पाएंगे। ये नया भारत बन रहा है और देश की संसद में खड़े होकर इस देश का शिक्षा मंत्री कह रहा है कल कि देश के विश्वविद्यालयों को जरूरी नहीं है कि सरकार ही पैसा दे तभी चलेगी। फिर सरकार किस काम के लिए है? अंबानी और अडानी को पूरा देश बेचने के लिए है? आदिवासी राष्ट्रपति बनाएंगे और कहेंगे कि 75 साल में पहली बार हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। हम इस बात का विरोध नहीं कर सकते, हम स्वागत करेंगे कि हाँ भाई तुमने बनाया, लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ उस महिला का राष्ट्रपति पद के लिए, उसी समय वो ग्राम पंचायत अधिनियम जो ये शर्त रखता था कि आदिवासियों की कोई जमीन ग्राम पंचायत से बिना सहमति के नहीं छीनी जा सकती, उसमें संशोधन कर दिया गया और अब कोई भी सरकार विकास के नाम पर उनकी जमीन छीन लेगी। ये है नया भारत। इसलिए आपको दिखाया जाएगा कि मैंने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूं। ऐसा ओबीसी प्रधानमंत्री है जो आज तक कभी मंडल कमीशन के नाम ही नहीं लेता है, जाति जनगणना होनी चाहिए इसका नाम ही नहीं लेता है, वो केवल चुनाव में याद करता है कि मैं ओबीसी हूं, बाकी समय वो कहता है गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं और मुझे 2025 तक इसे हिंदू राष्ट्र बना देना है। ये कौन सा मुल्क है भाई? मेरा सवाल इस मुल्क के आजादी के 75 वर्ष मनाए जाने के दौरान है और यह सवाल पूछना कोई भी गुनाह नहीं है, क्योंकि यह हक हमें इस देश का संविधान देता है, जितना बचा है उतना ही। इसलिए मैं केवल यह सवाल पूछ करके, वह सवाल करते हुए कि मुझे नहीं पता ये चंद लोग जो यहां पर खड़े हैं उनके बीच से सोनी सूरी या सुरेश या हिमांशु कुमार जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो ये लोग यहां आए हुए हैं, कभी सोच कर देखिएगा जो बस्तर में हो रहा है क्या वो कश्मीर में नहीं हो रहा है? कौन सा मुल्क है फिर ये? कश्मीर का भारत कौन सा भारत है? नॉर्थ ईस्ट का भारत कौन सा भारत है? वहां पर इरोम शर्मिला जिसने आप सपा के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ी, क्या मिला अंत में उन्हें इस मुल्क में? केवल सेना, मिलिट्री, पुलिस। और पुलिस केवल इसलिए कि आप लोकतांत्रिक मूल्यों की आवाजों को केवल दबाएंगे। माफ करिए साहब, हम एक विश्वविद्यालय के छात्र हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, हमारा पेट भरा हुआ है तो हम यहां खड़े हैं। जो रिक्शा चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, जो खेती किसानी मजदूरी कर रहा है, उसे तो कई बार पता ही नहीं चल रहा होगा कि इस मुल्क को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए यह जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे सामने कैसे संविधान तहस नहस किया जा रहा है। आप भगवा रंग का संविधान बना के लहराओ, आप किसी मुल्क के मंदिर मस्जिद के नाम पर देश की जनता को लड़ाओ, शिक्षा रोजगार पर कोई बात नहीं करो, आपको कोई सरकार प्रशासन नहीं छेड़ेगी, आप पे ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, और आप अपने हक की बात करो आपके ऊपर मुकदमे लगाएंगे और आपको जेल में डालेंगे। तो जेल तो हमारे लिए कहा जाता है ना कि दूसरा घर है, और मैं तो हिमांशु कुमार को सल्यूट करता हूं जिन्होंने यह वादा किया कि मैं 5 लाख रुपए नहीं भरूंगा तो मैं जेल में ले जाना, तो जेल में ले जाओ। हक की लड़ाई में अगर ऐसे ही जेल जाना होता, जेल से डर लगती। अरे जेल से तो वो डरे जिनके पुरखे माफी मांगा करते थे कि जेल से निकाल दो, हमको पेंशन दे दो और हम जीवन भर तुम्हारी दलाली करेंगे। हम तो भगत सिंह को याद करते हैं जिसने अपने आखिरी पत्र में अपनी मां को लिखा कि मैं चाहता तो जिंदा रह सकता था, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि अगर मैं शहादत दूंगा तो आने वाले वक्त में इस मुल्क की माएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखेंगी। इसलिए उस उम्र में उन्होंने कुर्बानी दी, उस भारत के लिए कुर्बानी दी जिसमें गोमपाड़ा के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। उस भारत के लिए भगत सिंह ने कुर्बानी दी जिसमें केवल हिंदू मुस्लिम का दंगा कराया जाए और आप पलक पावड़े बिछाकर सम्मानित किया जाएगा। उस भारत के लिए उन लोगों ने शहादत दी जिसमें शिक्षा रोजगार पर कोई बात नहीं होगी। माफ करिए मुझे उस भारत पर कोई गर्व नहीं होता, मुझे शर्म आती है कि मैं भी उस भारत का हिस्सा हूं। मगर हां, मैं उस भारत को बिरसा फूले अंबेडकर और पेरियार के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ूंगा। उस बात पर मुझे गर्व है कि हां मेरे पास एक ऐसी विरासत है जो इस चीज के खिलाफ ऊर्जा देती है, ताकत देती है।
और इसलिए मैं जाते जाते एक कविता और पढ़ना चाहता हूं। ये कविता निर्मला पुतुल की है, बिटिया मुर्मू के लिए। उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ, उठो कि तुम जहां हो वहां से उठो, जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसे राख में दबी चिंगारी। देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहां धराशायी हो गए हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां, एक रोज मांगेंगे तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। देखो बस्ती के सीमांत पर जहां धराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज नंगी होती बस्तियां, एक रोज मांगेंगे तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। सोचो तुम्हारे पसीने से पुष्ट हुए दाने एक दिन लौटते हैं तुम्हारे मुंह चढ़ाते तुम्हारी ही बस्ती की दुकानों पर, कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी ही चीजें तुम्हारी पहुंच से दूर होती हुई दिखती हैं। इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी, इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी, क्या अब भी विश्वास करने लायक बचा है यह समय? तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? समय के द्वारा लगातार कुतरे जाने के बावजूद क्या वे पाताल में गई हैं? जबकि तुम्हारे हिस्से में भूख और थकान के सिवा एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद के शायद कुछ भी नहीं है। विडंबना ही है कि ईश्वर पर सबसे ज्यादा कैसे करती हो विश्वास। उठो बेटिया मुर्मू, तुम्हारे लिए जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।